हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं, तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करके उन्हें भी हमारे साथ जोड़ लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर लें और PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट है, राज तरंगिड़ी के लेखक कौन हैं? आपको कमेंट करके बताना है कि राज तरंगिड़ी के लेखक निम्न में से कौन है, तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्हड़ जो है उन्होंने राज तरंगिड़ी की रचना की थी। ये जयसिंह के दरबार में कवि थे और जयसिंह जो थे ये लोहार वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकता है आपसे कि कल्हड़ जो थे वो किसके समकालीन कवि थे, तो आप बताएंगे जयसिंह के। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो फ्रेंड्स, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने, जो कि मुगल शासक है, इन्होंने ही करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण 1572 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 मई 1987 को किस भारतीय राज्य का गठन हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस भारतीय राज्य का गठन हुआ था? गोवा का। ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। अब गोवा आया है तो गोवा की राजधानी होती है पणजी और गोवा के CM है प्रमोद सावंत। इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में CM भी बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ठहाका दिवस। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, जंप बाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कमेंट करिए आप लोग, किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट होगा। और जो बास्केटबॉल होता है उसका वजन कितना होता है? तो उसका वजन होता है 600 से 650 ग्राम। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेटविटी चर्च कहाँ स्थित है? तो नेटविटी चर्च जो कि बहुत ही फेमस है, ये कहाँ स्थित है? बैथेलहम में। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1856 में। आपका ऑप्शन बी इसमें सही होगा। लॉर्ड डलहौजी के काल में ये जो सेना भर्ती अधिनियम है ये लागू हुआ था 1856 ईस्वी में। अगला है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो तानसेन सम्मान जो कि दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान हेतु, तो ये जो शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसको आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने 1980 ईस्वी से तानसेन सम्मान को शुरू किया था। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश सरकार है वो कालिदास सम्मान और किशोर सम्मान भी इसी ने ही शुरू किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान और किशोर सम्मान। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, डांडिया जो है ये है गुजरात का लोकप्रिय नृत्य। इसके साथ ही साथ गरबा और रासलीला जो है ये भी गुजरात का ही नृत्य है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब गुजरात आया है तो गुजरात की राजधानी आप लोग देख लीजिए, गुजरात की राजधानी होती है गांधीनगर और यहाँ के CM है विजय रूपाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली रेलवे सुरंग का नाम बताइए। तो भारतीय रेलवे की पहली रेलवे सुरंग का नाम क्या है? पारसिक। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे की पहली रेलवे सुरंग है पारसिक रेलवे सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना होता है? तो चंद्रमा का व्यास होता है 3474 और पृथ्वी का व्यास होता है 12742। तो इसमें जब आप अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग 1/4, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, 4 किलोग्राम और 1 किलोग्राम वाली दो वस्तुएं गतिशील हैं जिनकी गतिज ऊर्जा समान है, वस्तुओं के रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा? तो आपको यहाँ पर रैखिक संवेग का अनुपात पूछा है और दो आपको मान दिए गए हैं द्रव्यमानों के और यहाँ पर कहा गया है कि जो गतिज ऊर्जा है ये समान है। तो आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K=½mv² और जो रैखिक संवेग होता है P=m×v। P=m×v से आप v का मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपका P/m। जब इस मान को आप रखेंगे काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले पे तो ये हो जाएगा 1/2p²/m।
अब इसी फॉर्मूले पे आपको सारे मान रखने हैं, तो मान रखने के बाद आपका यहाँ पर समीकरण बन जाएगा P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। M1 का मान दिया है 4 और M2 का मान दिया है 1, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो आपका हो जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 अपॉन 1 यानी कि 2 अपॉन 1। तो आपका अनुपात हो जाएगा 2:1 यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी बर्तन में पानी पर बर्फ़ पिघलती है तो बर्तन में पानी का स्तर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा या फिर क्या होगा? तो क्या होता है, स्थिर रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी भी द्रव में कोई भी वस्तु डाली जाती है तो वो अपने आयतन के बराबर के जो जल है उसको विस्थापित कर देती है। तो यानी जो बर्फ़ है वो जब पिघलेगी तो पानी का जो लेवल है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटनों का जोड़ किस प्रकार का जोड़ होता है? तो घुटनों में जो जोड़ होता है उसे कहते हैं काज जोड़। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। जो काज जोड़ होता है ये दो या दो से अधिक हड्डियों के बीच बना होता है, जहाँ पर हड्डियाँ केवल एक ही धुरी के साथ झुकती हैं। तो घुटनों में जो होता है वो काज जोड़ होता है। चलिए अगला देखते हैं। सरीसृपों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सरीसृप होते हैं ये अंडे देते हैं, त्वचा स्केल से ढकी होती है और ये डायनासोर से संबंधित होते हैं, लेकिन इसमें स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, अमीबा की तरह एक जंतु जिसके पास मुंह नहीं है, यह अपना भोजन किसकी सहायता से जुटाता है? तो फ्रेंड्स, अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जंतु होता है, ये जो है ये अपना भोजन सुडोपोडिया की सहायता से जुटाता है। तो आपका ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और अमीबा की एक और चीज़, ये जो अमीबा होता है इसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बहुत सारे शैवाल एक जलाशय में अचानक उगाते हैं तो उस शैवाल का फलना कहते हैं उसे शैवाल का फलना कहते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है उर्वरक खेतों में इसमें बह आते हैं, जो खेतों में उर्वरक डाले जाते हैं वो वर्षा के जल या फिर किसी भी माध्यम से जब वो बह करके तालाब में यानी जलाशय में आ जाते हैं तो उसमें अचानक से बहुत सारे शैवाल उग जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो आपको पता होगा रेफ्रिजरेटर में यूज़ की जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। इसका रासायनिक सूत्र होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए देखते हैं अगला, ताप को मापने की इकाई क्या है? तो ताप को मापने की SI यूनिट होती है केल्विन। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, गर्मियों में रेगिस्तान में मृग तृष्णा बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो गर्मियों में रेगिस्तान में जो मृग तृष्णा बनती है उसका मेन कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ऑप्शन ए आपका इसमें राइट होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही रेगिस्तान में मृग तृष्णा बनते हैं। अगला है, वह भौतिक प्रतिभास जिसमें किसी पिंड के गति में आने से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? तो ये प्रदर्शित किया गया था फैराडे द्वारा। नेक्स्ट, पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला है, ताप बढ़ने पर किसी धातु की विद्युत वहन करने की क्षमता क्या होती है? तो जैसे जैसे किसी भी धातु का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें जो विद्युत वहन करने की क्षमता होती है वो घटती जाती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। और जो अर्धचालक होते हैं इसमें ताप बढ़ने पर विद्युत वहन करने की क्षमता बढ़ती जाती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बहुत उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है पायरोमीटर का। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। पायरोमीटर से जैसे सूर्य का तापमान हो गया, इन जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर जब होता है तो उसका मापन जो है ये छोटे छोटे तापमान मापी नहीं कर पाते हैं, तो पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, धातुओं में संचरित होने वाली ध्वनि तरंगे कौन सी है? तो धातुओं में संचरित होने वाली ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं, यानी ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो जो हम लोग घरों में खाना पकाने के लिए गैस यूज़ करते हैं उसे कहते हैं LPG, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्य रूप से होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का तरल रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसलों पर DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो फसलों पर जब DDT का छिड़काव किया जाता है
तो इससे वायु, मृदा और जल तीनों प्रदूषित होते हैं। ये तीनों ही चीज़ों को प्रदूषित करता है DDT। अब DDT आया है तो DDT का फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। मैं रिपीट कर देती हूँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। नेक्स्ट है, सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है, एक व्यक्ति पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर अधिक उछल सकता है क्योंकि? तो चंद्रमा पर अधिक उछल सकता है क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्व होता है वो कम होता है। पृथ्वी पर अगर जी है तो चंद्रमा पर ये होता है g/6। अगला है, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, घर्षण और स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? 1000 घन सेंटीमीटर वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। ठीक है, प्रत्येक 10 सेकंड में 1000 घन सेंटीमीटर वायु जो है वो आवश्यक है मनुष्य के लिए। नेक्स्ट है, किसी पहाड़ की बहुत ऊंची ढलान पर चढ़ते समय मनुष्य आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो क्यों झुक जाता है? वो शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुक जाता है, वरना वो गिर पड़ेगा। नेक्स्ट है, एक घोल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, इसका pH मान लगभग कितना होता है? मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर pH मान 7 है तो वो घोल जो है वो उदासीन होगा, अगर 7 से कम है वो आपका अम्ल होगा, और अगर 7 से अधिक है तो वो आपका क्षार होगा। तो यहाँ पूछा है, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, तो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है अम्ल, इसका pH मान लगभग कितना होगा? तो जाहिर सी बात है 7 से कम होगा क्योंकि अम्ल है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में 4, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया को सही सही दर्शाने वाले रासायनिक समीकरण क्या है? यहाँ आपको 4 रासायनिक समीकरण दिए हैं और पूछा है इसमें सही कौन सा है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 2H2+O2, ये होता है =2H2O। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अभी हाल ही में पनामा के राष्ट्रपति चेंज किए गए हैं और नए राष्ट्रपति बन गए हैं लॉरेंटिनो कोर्टिजो। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया पर विश्व में सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेताओं की सूची में नरेंद्र मोदी किस स्थान पर हैं? तो नरेंद्र मोदी हैं दूसरे स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हैं। ठीक है, बराक ओबामा जो कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट हैं वो हैं फर्स्ट पर, और हमारे नरेंद्र मोदी जो कि हमारे PM हैं वो हैं सेकेंड पर, सोशल मीडिया पर विश्व में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेताओं की सूची में। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने IBM के साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने IBM के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के साथ मिलकर फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में SpaceX नामक एजेंसी ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के साथ मिलकर के फॉल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, एशिया सहयोग वार्ता जिसे ACD कहते हैं का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हाल ही में एशिया सहयोग वार्ता का आयोजन किया गया था कतर में। ठीक है, दोहा के कतर में किया गया था ACD का आयोजन। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ICC की वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ICC की वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर जो देश है वो है इंग्लैंड। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आप लोग अपने स्कोर भी हमें कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना आप लोग ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे अपलोड होने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मन लगाकर पढ़ते रहिए। RRBJEE की नोटिफिकेशन आ गई है, उसका एग्ज़ाम 22 से है, तो हो सकता है NTPC की भी एग्ज़ाम डेट जल्दी ही आ जाए। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन पर पूरा फोकस करिए, आप लोग को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।